So hello and welcome again to my channel. So today I'm gonna take you to Ram Narayanam temple, which is in Vijayanagaram, and it's a grand temple and a must visit place. It's a bow and arrow shaped structure with 60 feet idol of Lord Hanuman in the center. So do watch the video till the end. So it's 5 o'clock in the evening and हम निकल चुके हैं विजयनगरम की ओर. एक्चुअली इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम विशाखापट्टनम एंड इट मतलब बहुत ईजीएस्ट रूट है ये. अगर आप बाइक से जाओगे तो मतलब एक सिंपल हाईवे है, और मैंने आप देख सकते हो गूगल मैप स्टार्ट कर दिया है एंड प्रेजेंटली इट इज़ 53 मिनट्स अवे. अगर आप बस से जाना चाहते हो तो विशाखापट्टनम से आराम से बस मिल जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो अप्रॉक्स 52 किलोमीटर्स फ्रॉम द विशाखापट्टनम एयरपोर्ट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम. रिसेंटली यहाँ पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच भी हुआ था, टेस्ट मैच था. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे इस साल 2024 IPL चेन्नई वर्सेस दिल्ली का मैच भी शेड्यूल्ड. बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे रहूँगा यार, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ धोनी, मैच तो देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं. तो आई फिगर इट आउट, कहीं और देखूँगा. एंड यू कैन सी इट इज़ द टेम्पल इज 2.3 किलोमीटर्स फ्रॉम नाउ एंड इट टुक हार्डली 1 आवर टू रीच विजयनगरम का विशाखापट्टनम. एक्चुअली मैं पहले भी आया था इस टेम्पल में, बट दिन में आया था. मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक LED शो होता है ऑन द आइडल ऑफ बजरंगबली, तो मैंने पिछली बार मिस कर दिया था. पर इस वक्त मैं एकदम परफेक्ट टाइम पर आया हूँ. You can see we have reached the temple and park कर लेते हैं पहले गाड़ी को. राम नारायण मंदिर हम पहुंच चुके हैं. ये मेरी रही बाइक. So I have entered the temple and you can see the ticket. It was 60 rupees per head. So if you have come to Visakhapatnam, then this is a very must visit place. और यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि मैं अरकू वैली भी गया था जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यू कैन सी दैट देयर. एंड दिस इज़ द आइडल ऑफ लॉर्ड हनुमान, और अभी अभी लाइट जलना स्टार्ट ही हुआ है. तो यहाँ पे पूरा का पूरा रामायण शो किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम राम जी का जन्म जब हुआ था. तो ये आधी रामायण थी और आधा रामायण इसके बाद है, बीच में बजरंगबली है. तो पहले हम LED शो देखेंगे, उसके बाद बाकी का रामायण. हर हो कलेश विकार, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा. जय हनुमंता, जय जय हनुमंता, जय हनुमंता, जय हनुमंता.
భాను లీల్యోతా హి మధుర ఫల జాను हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह सतवार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महा सुख होई तूर्पु दिक्कुन चूसे श्री हनुमान मुखम सर्व पापालनु हरिंचेदिगा దక్షిణ దిక్కున చూసే శ్రీ నరసింహుని ముఖం శత్రుభయాన్ని పోగొట్టి విజయం చేకూర్చేదిగా పశ్చిమ దిక్కుని చూసే శ్రీ గరుడ ముఖం భూత ప్రేత తాంత్రిక భయాలను పోగొట్టేదిగా ఉత్తర దిక్కు వైపు చూసే శ్రీ వరాహ ముఖం గ్రహదోషాలను హరింపజేసి అష్టైశ్వర్యాలను అందించేదిగా ఆకాశం వైపు చూసే శ్రీ హయగ్రీవ ముఖం విజ్ఞానాన్ని విజయాన్ని ఉత్తమ జీవిత భాగస్వామిని అందించేదిగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి కావున భక్తులారా అన్ని విధాలుగా మనలను ఆదుకుని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామిని మనసారా స్మరించుకుని తరించండి శ్రీ 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 మహావీర బజరంగ బలికి జై It was totally goosebumps during the LED show. और ये मंदिर actually शाम में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो अब जाने का समय हो गया है, लगभग 8:30 बज गए और ये दूसरा LED show मतलब स्टार्ट हो चुका है। ये लगभग 45 मिनट्स का एक LED show होता है और हर दिन शाम में 2 shows होते हैं। So it's time to go now, and if you like this video, give love to my channel, share, subscribe, and thanks a lot. Shri 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 Mahavira Bajranga Bali ki Jai!